नमस्कार, मैं हूं संतोष तिवारी। ग्लोबल वार्मिंग के कारण दुनिया के खत्म हो जाने की कई बार भविष्यवाणियां होती रही हैं, लेकिन तब से लेकर अब तक दुनिया कायम है। लेकिन अभी हाल ही में अंटार्कटिका में मौजूद चौथे सबसे बड़े आइसबर्ग लार्सेन सी का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर अलग हुआ है, जिसे खरबों टन वजनी बताया जा रहा है। इस पर नजर रखने वाले वैज्ञानिकों की माने तो ये अब तक का सबसे बड़ा टुकड़ा है जो हिम चट्टान से अलग हुआ है। इस आइसबर्ग का आकार 5801 किलोमीटर का है। इसका अंदाजा इस तरह लगाया जा सकता है कि ये टूटा हुआ टुकड़ा देश की राजधानी दिल्ली के आकार से तकरीबन 4 गुना बड़ा है। जानकारों की माने तो इस आइसबर्ग के टूटने का असर भारत समेत पूरी दुनिया के पर्यावरण पर पड़ेगा। में टूटा विशाल आइसबर्ग। निकोबार के डूबने का खतरा। अमेरिका का न्यूयॉर्क भी चढ़ सकता है आइसबर्ग की भेंट। आइसबर्ग की भेंट चढ़ जाएगी पूरी दुनिया। वैज्ञानिकों ने कहा है कि करीब 1 खरब टन का आइसबर्ग कई महीनों के पूर्वानुमान के बाद एंटार्क्टिका से टूटकर अलग हो गया है और अब दक्षिण ध्रुव के आसपास मौजूद जहाजों के लिए एक गंभीर खतरा बन सकता है, क्योंकि इस आइसबर्ग के टूटने से एंटार्क्टिक पेनिनसुला का पूरा परिदृश्य ही बदल चुका है। अगर ये दरारें पड़ रही हैं और दरारें बढ़ती चली जाएंगी तो कोई न कोई घटनाएं हो सकती हैं। इस खंड के टूटने से जो कि 5,800 से 5,828 वर्ग किलोमीटर का है, एक तो इसमें जितने बर्फ की चट्टानें हैं पूरी एक खंड है, और उसको अगर समुद्र में तैरती हुई और धीरे धीरे प्रक्रिया पिघलने की होती है तो ये इसका असर ये होगा कि जो लेवल है समुद्र का आसपास का लेवल पहले वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, लेकिन ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। दरअसल ये जो हिमखंड टूटा है ये मतलब जहाजों के लिए खतरा कहना तो बहुत मामूली बात होगी।
दरअसल ये खतरा जो है एक बहुत बड़े खतरे को इंडिकेट कर रहा है, जो एक्सीडेंट जिसको आप टूट कह रहे हैं, ये जो ग्लोबल वार्मिंग जिसकी बात अभी इतने सालों से की जा रही है और दुर्भाग्य से इसको जो पॉलिटिशियन और पॉलिसी मेकर सीरियसली ले रहे हैं कई कंट्रीज के, वो उसकी ओर हमें इंगित कर रहा है। इस ग्लोबल वार्मिंग से ओशन लेवल बढ़ना पहला खतरा है कि सारा ओशन का लेवल राइज करेगा। ओशन लेवल से जितने भी समंदर के किनारे आपके जितने भी शहर हैं, गांव हैं, बस्तियां हैं, खेत हैं, खलिहान हैं, सारे डूब जाएंगे। तो खतरा है कि हम करीब 20-30% लैंड मास हम समंदर में वापस चला जाएगा और ये हमारे सारी सिविलाइजेशन जो वर्ल्ड की मोस्टली सिटीज ओशन के किनारे इवॉल्व हुई है, काफी से बड़े बड़े इंपॉर्टेंट वर्ल्ड के सेंटर हैं, तो वहां से लोग वहां से पलायन करना पड़ेगा। ये पलायन अपने आप में बहुत बड़ा कितना बड़ा डिजास्टर लाएगा, ये तो एकदम इमीडिएट खतरा है जिसको हम देख ही नहीं रहे हैं। लार्सन सी बर्फ की चट्टान से टूटकर अलग हुए आइसबर्ग का आकार 5,800 वर्ग किलोमीटर है। भारत की राजधानी दिल्ली के आकार से 4 गुना बड़ा है। वहीं गोवा के आकार से 1.5 गुना बड़ा और अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर से 7 गुना ज्यादा है। अगर देखा जाए तो जब भी बर्फ पिघलती है और पिघलने से उससे जलवायु परिवर्तन पर भी बड़ा असर होता है और एक दिन में ही ये बर्फ नहीं पिघलती है, इसका असर ये भी होता है कि बहुत छोटे छोटे वाष्पीकरण भी होता है। वाष्पीकरण तो किसी भी टेम्परेचर पर होता है, तो उसके साथ साथ ही अगर ये समुद्र के पानी के उस पर टेम्परेचर पर, तो इसका पिघलना बहुत तेजी से प्रारंभ हो जाएगा। तो इसके आसपास रहने वाले द्वीप में इसका बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। 2/3 ऑक्सीजन का लॉस सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि अगर ओशन में टेम्परेचर बढ़ने से डिजोल्व गैसेस की क्वांटिटी बढ़ेगी, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी काफी होगी, वो ओशन का इतना जो एसिडिटी है, एसिडिटी मतलब उसको बोलना चाहिए अम्लता बोलते हैं, इतनी बढ़ जाएगी कि ओशन के अंदर समंदर के अंदर जो प्लांट है वो नष्ट हो जाएंगे। खतरा ये है कि जितने भी हम हैं और जो बड़े बड़े जीवधारी महत्वपूर्ण जीवधारी हैं, कि अगर 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने के बाद मीथेन गैस सारी रिलीज हो गई एटमॉस्फेयर में, तो कार्बन डाइऑक्साइड से 35 गुना ज्यादा पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है, ज्यादा उसका असर होता है और उसके कारण से 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इस शताब्दी के अंत तक हो सकता है। और ये 4 डिग्री बढ़ने का मतलब यह है कि धरती पर मौजूद कम से 95-95% जीव जातियां नष्ट हो जाएंगी। ये उतना ही बड़ा डिजास्टर है जैसे आज से करीब 200 या 300 मिलियन ईयर पहले, जिसको परमियन एक्सटेंशन कहते हैं, उस टाइम हुआ था। गौरतलब है कि अंटार्कटिका में हमेशा हिमशैल अलग होते रहते हैं, लेकिन ये दूसरे आइसबर्ग की तुलना में खास तौर पर काफी बड़ा है। ऐसे में महासागर में जाने के इसके रास्ते पर निगरानी की जरूरत है, क्योंकि ये समुद्री यातायात के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। वैज्ञानिक ने तो इस आइसबर्ग से अलग हो जाने से वैश्विक समुद्र स्तर में 10 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाएगी। जिस जगह वो पिघल करके बढ़ता रहेगा, वहां से उसका समुद्र की सतह बड़ी आएगी और उसी के साथ साथ हमने बताया कि टेम्परेचर वेरिएंस जो समुद्र के पानी है उसमें जो टेम्परेचर वेरिएंस होता है वो दोनों मिला करके डबल हो जाता है। तो इसकी 10 इंच को अगर हम माने तो 10 इंच का डबल 20 इंच हो जाता है, तो ये तो करीब करीब आपको समझिए 1.5 फीट से ज़्यादा पानी के असर होगा और उससे
ये सतह सरफेस से एरिया बढ़ जाती है, सरफेस वाष्पीकरण बढ़ जाएगा, जलवायु में भी इसका असर पड़ेगा। वैसे कि आप स्विमिंग पूल में खड़े हुए हैं, पानी आपके ओंठों तक आ चुका है और वहां से खतरा से आगे से मुश्किल से 2 इंच का गैप रहा था आपके नथनों के बीच में। उसी तरह से 2 डिग्री बढ़ना, आप इमेजिन करिए कितना लैंड मास में सबमर्ज होगा, क्योंकि ये आप मान के चलिए कि खाली इतना ही नहीं बढ़ेगा, खतरा ये है अगर 4 डिग्री टेम्परेचर राइज करता है 2 डिग्री के ऊपर ही सारा आइस मेल्ट हो जाएगा और उसका नतीजा होगा, मैं कह रहा हूँ 2/3 आपका पॉसिबिलिटी यह है कि आपका लैंड मास जो आपको ओशन के जो अभी जहाँ पे आप खेती बाड़ी करते हैं समंदर के किनारे के शहर गांव बस्ती सारे समंदर के अंदर चले जाएंगे। पिछले कई सालों से पश्चिमी अंटार्कटिक हिम चट्टान में बढ़ती दरार को देख रहे शोधकर्ताओं ने कहा है कि ये घटना 9 जुलाई के बाद किसी समय की है। इस आइसबर्ग को A68 नाम दिए जाने की संभावना है और ये 1 खरब टन से ज्यादा वजनी है। यही नहीं, इसका विस्तार सबसे बड़ी लहरों में से एक लेक इरी के विस्तार से 2 गुना ज्यादा है, जबकि लार्सन ए और बी पहले ही ढह चुके हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक समुद्र स्तर पर इस हिमखंड के अलग होने का तत्काल कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन लार्सन सी हिम चट्टान के फैलाव को यह 12% तक कम कर देगा। लार्सन ए हिम चट्टान और लार्सन बी हिम चट्टान साल 1995 और 2002 में पहले ही ढह कर खत्म हो चुके हैं। तो ये ऐसी चीजें घटनाएं होती हैं, समय जरूर लगता है क्योंकि जो चीजें चल रही हैं उसको उसकी गति ओवरऑल प्रदेश में धीमी है, लेकिन उसका इम्पैक्ट बाद में बहुत बड़ा हो जाता है। आज देखें पूरे विश्व में जो देखा जाए तो दक्षिणी अफ्रीका में सहारा डेजर्ट में अगर आप देखें वहाँ बर्फबारी हो रही है, अरब कंट्री में अगर बर्फबारी हो रही है, चाइना में ऐसी जगह जहाँ सूखा है, या कहिए हमारे राजस्थान जैसे अगर बर्फबारी होती तो ये कोई अजूबा नहीं कर सकते। जहाँ चक्रवाती चीजें अगर गर्म होगा वहाँ चक्रवाती अगर ऊपर हमारे वाष्पीकरण से तमाम कण पड़े हुए हैं वो तुरंत बारिश करेंगे और बाद तूफान आएगा। वैज्ञानिकों ने इस हिमखंड के अलग होने के पीछे कार्बन उत्सर्जन को बड़ी वजह बताया है। उनके मुताबिक कार्बन उत्सर्जन से वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे ग्लेशियर जल्द पिघल रहे हैं। जंगल जो थे काफी हद तक आपके ऑक्सीजन को रिप्रोड्यूस करते थे, जो कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन, पेड़ पौधे जो हैं खाना बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेकर और ऑक्सीजन छोड़ते हैं सूरज की रोशनी में, तो जंगलों का नष्ट होना और उसके बाद दूसरा कि जो खेती बाड़ी और पशुपालन भी ग्लोबल वार्मिंग के कॉज हैं, क्योंकि इनके जो आपके जो फसलें हैं, जो फसल के बाद जो बचा हुआ मटेरियल है वो आपका हस्क है, वो उसको आप जलाते हैं, जलाएंगे तो वो सड़ेगा तो मिथेन गैस पैदा करेगा। आप इतना बड़े अमाउंट में इतनी वर्ल्ड की इतनी पॉपुलेशन आज बढ़ गई है कि उसको पालने के लिए इतने ज्यादा पशुपालन करना पड़ता है, पशुपालन में मिथेन गैस रिलीज होती है, तो ये जो सारे फैक्टर हैं ये मैनमेड फैक्टर हैं। उसका नतीजा अगर ये साफ हमारे सामने आ रहा है, ये खतरा जो पहले खाली जो हम जिसकी कल्पना करते थे वो हकीकत बन गया। समुद्री स्तर में बढ़ोतरी होने से अंडमान और निकोबार के कई टापू और बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन के हिस्से डूब सकते हैं। हालांकि अरब सागर की तरफ इसका असर कम ही होगा, लेकिन लंबे समय में यह असर जरूर दिखाई देगा। भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी तटीय रेखा को इससे बड़ा खतरा हो सकता है। कैसे बचा जा सकता है काफी मुश्किल सवाल है, क्योंकि उसके लिए हमको पूरे अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी और हमारा जो पूरा एक गोल है सिविलाइजेशन का कि ऐसा डेवलपमेंट जो मानव के हित में नहीं। अभी सारे डेवलपमेंट का एक ही आइडिया है कि हमारे दुनिया के सारे देशों में कि हमको GDP बढ़ानी है। GDP क्यों बढ़ानी है और कितनी GDP हम अफोर्ड कर सकते हैं ये हम कभी नहीं सोचते हैं, क्योंकि GDP बढ़ाने का मतलब है कि आपको ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन करना पड़ेगा, ज्यादा पावर कंजम्पशन करना पड़ेगा और पावर कंजम्पशन ही सबसे बड़ा सोर्स है ग्लोबल वार्मिंग का। हमको अपनी प्रायोरिटी चेंज करनी पड़ेगी और ये प्रायोरिटी चेंज करने के लिए पॉलिसी मेकर्स के ऊपर एक आपका दबाव बनाना पड़ेगा जो जनमत से बन सकता है। उसके लिए एजुकेशन मासेस की और डिसीजन मेकर्स की बहुत जरूरत है। तो क्या ये माना जा सकता है कि पूरी दुनिया में मौसम करवट ले रहा है? वैज्ञानिकों की रिपोर्ट के मुताबिक
अगर मौसम में ऐसे ही तब्दीलियां होती रही तो ये धरती एक बार फिर हिमयुग में लौट जाएगी। बारिश, सूर्य की किरणें, हवा, नमी और तापमान, ये ऐसे कारक हैं जो किसी भी स्थान की ऋतु को प्रभावित करते हैं। ये परिवर्तन पृथ्वी के अस्तित्व में आने के समय से ही हो रहा है। अभी खतरा हिमयुग का नहीं है, अभी सारा खतरा उसके अपोजिट जो ग्लोबल वार्मिंग का है, मतलब उसको बोलना चाहिए कि हीट युग बोल सकते हो, उसको उष्म युग बोल सकते हो। और वो जो उष्म युग होगा उसमें इतने सारे फैक्टर्स एक के साथ एक लिंक्ड हैं कि जैसे बताया कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से आपके टेम्परेचर 2 डिग्री बढ़ा, उससे मिथेन गैस रिलीज होगी, मिथेन गैस रिलीज से जो टेम्परेचर तो अगले मतलब 50-60-70 सालों में 4 डिग्री बढ़ने का खतरा है, उससे ओशन से इतनी ज्यादा वाटर वेपर उठेगी कि वाटर वेपर और भी ज्यादा पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है। तो ये जो पूरा एक चेन रिएक्शन है जो जिसको कैस्केडिंग इफेक्ट है, इस कैस्केडिंग इफेक्ट का एक एग्जांपल हमारे सोलर सिस्टम में शुक्र ग्रह है कि जो शुक्र ग्रह धरती के जितने ही साइज का है, सूर्य से थोड़ा सा पास है, तो वहां पे ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है कि वहां का एवरेज टेम्परेचर 470 डिग्री सेंटीग्रेड है और वहां पे एसिड रेन होती है हमेशा। तो कई खतरा है कि हमारा धरती जो है शुक्र ग्रह जैसा नॉट न बने। पृथ्वी का ऋतु चक्र परिवर्तनशील है, प्राकृतिक रूप से उसके चक्र में लगातार परिवर्तन होता रहता है। प्रकृति के इन परिवर्तनों का रहस्य सुलझाने के लिए वैज्ञानिक रिसर्च में जुटे हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक ऋतु परिवर्तन के प्रमुख रूप से 2 कारक हो सकते हैं, प्राकृतिक और मानवीय। ये अगले दोहराव में हम मौजूद धरती पर नहीं होंगे अगर हमने इसको नहीं रोका, क्योंकि हम ये कल्पना करें कि फिर से इंसान आएगा धरती पर, जो कि जो इवोल्यूशनरी प्रोसेस है उसमें बहुत ही रैंडम होती है। अगले जीवधारी कौन से होंगे धरती पे, आगे जिनका विकास होगा, ये कहना लगभग नामुमकिन है। इतना चाहे हम नहीं होंगे, अगली बार जब चक्र दोहराएगा तो हम धरती पे मौजूद नहीं होंगे। इसके अलावा ऋतु परिवर्तन के लिए कई दूसरे प्राकृतिक कारक भी उत्तरदायी हैं। गौरतलब है कि जिन महापिंडों से हम परिचित हैं वे करोड़ों साल पहले बने। पृथ्वी के अलग अलग भाग धीरे धीरे अलग होने लगे थे, पृथ्वी के इस विखंडन का प्रभाव मौसम पर भी पड़ा, क्योंकि इसने भौतिकी विशेषताओं और जल निकायों का स्थान बदल दिया। यही नहीं, इसका असर समुद्र की लहरों और हवा के बहाव में भी हुआ। वहीं जलवायु परिवर्तन पर चल रही बहस में पृथ्वी का तापमान बढ़ने की चर्चा के बीच शायद ये सोचना मुश्किल है कि पृथ्वी फिर बर्फ की चादर में लिपट सकती है। समुद्र तल से निकाले गए सूक्ष्म जीवाश्मों का अध्ययन कर रहे वैज्ञानिकों के मुताबिक पृथ्वी को लाखों साल तक प्रभावित करने वाले बर्फ के बढ़ने और घटने के चक्र के बारे में काफी कुछ जानना बाकी है। पृथ्वी पर बर्फ के बढ़ने वाले समय को वैज्ञानिक ग्लेशियल्स कहते हैं और गर्म मौसम की अवधि को इंटरग्लेशियल्स कहा जाता है। नहीं, हिमयुग नहीं है, ये हिमयुग नहीं, ये तो उष्म युग है। जैसे उष्म युग में टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि उसका मतलब अभी जब 2 डिग्री में आप फैक्ट देखेंगे कि जो काफी बड़ी वर्ल्ड की पॉपुलेशन ओल्ड एज पीपल की है और बच्चों की है, ये जो इनका सफरिंग होगा आप किसकी इमेजिन नहीं कर सकते। कितने नए किस्म के बैक्टीरिया एक्टिव हो जाएंगे, कितने नए किस्म के वायरस जो भी दबे पर डॉर्मेंट है वो एक्टिव हो जाएंगे, नए स्पीशीज का इवोल्यूशन होगा जिनके लिए हमारी बॉडी में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो ये सारे खतरे इसमें उष्म युग के खतरे हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के खतरे हैं और जिनकी कल्पना करना भी अभी लगभग नामुमकिन है। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना है कि इस तरह वातावरण में छोड़े जाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण पृथ्वी बहुत से परिवर्तन झेल रही है। ओमनाथ ठाकुर, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।